आज के इस वीडियो में मैं आपको कोयले के बारे में बताऊंगा कि कोयला कितने प्रकार का होता है और कौन से कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और कोयले के टाइप्स का कहां कहां यूज होता है। मेनली कोयले के चार टाइप्स होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड सब बिटुमिनस कोल। भारत में बिजली बनाने के लिए मेनली बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बिटुमिनस कोयले में कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। और हम सब जानते हैं जिस भी चीज में कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा होगा और मॉइस्चर यानी कि पानी जितना कम होगा वो उतना ही जल्दी जलेगा और इसी कारण से बिटुमिनस को मेनली यूज किया जाता है। इसके अलावा सब बिटुमिनस का भी प्रयोग लिया जाता है बिजली बनाने में। सब बिटुमिनस भी बिटुमिनस का ही एक पार्ट है जिसमें कार्बन की मात्रा बिटुमिनस के मुकाबले कम होती है और मॉइस्चर की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। इन दोनों की हीट कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होने के चलते इनको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने के लिए सबसे पहले प्रेफर दिया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला डोमेस्टिक पर्पज यानी कि घरेलू काम के लिए बेस्ट माना जाता है, पर इंडिया में इसकी बहुत कम उत्पत्ति के वजह से इसके प्राइस काफी ज्यादा हैं बाकियों के मुकाबले, तो ज्यादातर लोग बिटुमिनस को ही यूज में लेते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी। पर फिर भी कुछ लोग एंथ्रेसाइट को यूज में लेते हैं जिसकी वजह है इसकी हार्डनेस, कठोरता। ये वाला कोयला सबसे ज्यादा कठोर होने के कारण इसको बार बार यूज में ले सकते हैं। एंथ्रेसाइट कोयले को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल भी कहा जाता है। और आखिर में आता है लिग्नाइट कोल, इसको ब्राउन कोल यानी कि भूरा कोयला भी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर ब्राउन होता है और इसमें सबसे कम कार्बन कंटेंट और सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण इसकी हीट कंडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। इसको भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है, परंतु ये उतना आउटपुट नहीं दे पाता है जितना कि बाकी देते हैं। इनके अलावा कोयले का यूज मेटल प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, केमिकल प्रोडक्शन आदि में भी लिया जाता है।